विपक्ष पर हमला तेज करते हुए बीजेपी ने भी अब विपक्ष को घेरना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में गगरेट के विधायक राजेश ठाकुर ने हमलावर शब्दों में विपक्ष की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए, इसे केवल सुर्खियां बटोरने का प्रयास बताया। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव राकेश कालिया को हराकर विधानसभा पहुंचे राजेश ठाकुर ने संख्या बल नहीं होने के बावजूद विपक्ष का नेता दर्जा देने की बात को भी बीजेपी की उदारता बताया। ये मोदी जी का संदेश है कि जहाँ सरकार हो वहाँ विपक्ष भी रहना चाहिए। विपक्ष ताकतवर होगा तो सरकार को हर मोड़ पर उनको अपनी कार्यशैली के बारे में पता चलता रहेगा और विपक्ष अपनी भूमिका निभाए। अगर सरकार गलत करेगी तो वो गलत पर बोले, परंतु यहाँ तो विपक्ष की भी यह भूमिका है कि उनको हर खबर में खबर बनानी होती है। आजकल विपक्ष की वो भूमिका नहीं रही जो पहले विपक्ष की होती थी। विपक्ष किसी बात पर विपक्ष करता था जिस वक्त पर सरकार का कोई गलत मैसेज आ रहा है जिससे लोगों का नुकसान रहा है, परंतु आजकल जो विपक्ष बना है उसको सिर्फ अखबार की खबर बनाने के लिए खड़े होकर कोई ना कोई मुद्दा उठाना है ताकि सुबह मेरी खबर लग जाए। विपक्ष की भूमिका भी नकारात्मक है, परंतु ये मोदी जी की उदारता है कि उन्होंने विपक्ष को जिंदा रखा है।